नगर निकाय चुनाव और आगामी ईद उल फितर त्योहार के दृष्टिगत प्रशासन ने किया रूट मार्च। जी हाँ, आपको बताते चले कि जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आगामी नगर निकाय चुनाव, अलविदा की नमाज व ईद उल फितर त्योहार के दृष्टिगत गाजीपुर कोतवाली नगर क्षेत्र में मैं फोर्स रूट मार्च पैदल गश्त किया गया। गश्त के दौरान महोदय द्वारा आम जनमानस से आगामी त्योहारों तथा सुरक्षा व्यवस्था संबंधी फीडबैक भी लिया गया। सभी नागरिकों से आगामी त्योहारों को सकुशल एवं शांतिपूर्ण मनाने के लिए अपील की गई। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक नगर, ग्रामीण, सीओ सिटी, थानाध्यक्ष, कोतवाली व अन्य अधिकारी व कर्मचारीगण मौजूद रहे। आगामी आने वाले समय में जो जुम्मा अलविदा है 21 तारीख में और संभवतः 22 तारीख में चंद दर्शन के ऊपर निर्भर है, ईद होगी, उसकी व्यापक तैयारियों के लिए, लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए डीएम महोदय और मेरे द्वारा पूरे शहर में रूट मार्च किया जा रहा है। फुट पेट्रोलिंग लोगों से इस स्थलीय आके उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी कर रहे हैं ताकि आने वाले त्योहारों पर सारी व्यवस्थाएं जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं वो चुस्त दुरुस्त रह सकें। सर, आने वाले अलविदा में सिक्योरिटी की क्या व्यवस्था रहेगी मस्जिदों पे जो नमाज अलविदा की? लगभग 550 जगह पूरे जनपद में होगी, सभी जगह व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए जा रहे हैं सभी, क्योंकि जैसा आप विदित हैं जुम्मा अलविदा की जो नमाज है सामान्य रूप से मस्जिदों में पढ़ी जाती है और ईद की नमाज ईदगाह में, और जो कुछ लोग बच जाते हैं वो लोगों से ये भी आग्रह किया है और ये निर्देश भी है पुलिस को कि कहीं सार्वजनिक स्थल विशेष रूप से जो मार्ग हैं वो किसी भी उसमें अवरुद्ध ना हो, सभी लोग अपने अपने पूजा स्थलों के अंदर अपनी इबादत करें, शांति से करें, अच्छी तरह से करें, लेकिन ऐसा कोई कृत्य ना हो जिससे कि आम जनता को उसका आवागमन बाधित हो या रास्ते बाधित हो। धन्यवाद।